अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस, मैं क्लासरूम में बैठी थी कि मुझे ना अपने रिश्तेदारों के कॉल आई कि हम हॉस्पिटल आए हुए तो हमारा चेकअप करवा दो। तो गाइस, पहले मैं ना दुआ करती थी कि जाला मेरा रिश्ते में एडमिशन करवा दें, रिश्ते में एडमिशन करवा दें। अल्लाह ताला ने मेरी बहुत सुन ली, लेकिन आए रोज़ कोई ना कोई पेशेंट आ जाता है कि मेरा चेकअप करवा दो, मेरा चेकअप करवा दो। मैंने सोचा खैर, जहाँ इतने सारे लोगों का ख्याल रखते हैं तो वहाँ पर अपने रिश्तेदारों को ही फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो आप सबके सामने है कि कितना रश है। तो हम आ गए थे यहाँ पे इमरजेंसी के सामने। गाइस, यहाँ पे मैं व्लॉग बनाने के चक्कर में उसमें लगने लगी थी, एक्सीडेंट होने लगा था मेरा और बाइक में लगने लगी थी। मेरी दोस्त ने मेरे पे इतना हंसी, कहती है व्लॉग बना लो बस, अपना ना ख्याल रखना तुम। अब हम जाएंगे ऊपर ओपीडी, वहाँ से बनवाएंगे स्लिप। गाइस, इतना रश होता है ना, आप शुक्र है कि है ना जो निश्तर का स्टाफ है उनके अलग बनाते हैं स्लिप वगैरह, तो इस चीज़ की भी हमें सहूलत है, ये फैसिलिटी दी हुई है, वरना तो पेशेंट लाइन में लगे होते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना रश होता है यहाँ पे और यहाँ से स्लिप बनवाना कितना मुश्किल है। गाइस, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था तो हम भी वहाँ पे रुक गए स्लिप बनवाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं यहाँ पे। हुआ यूँ कि उनका नेट आना बंद हो गया, वाईफाई बंद होगी, जिसकी वजह से किसी को भी स्लिप बना के नहीं दे रहे थे। अब इतने सारे लोग बेचारे इंतज़ार। मैंने ये किया ऐसा कि मैं AMS के ऑफिस पहुँच गई और जाके AMS को शिकायत लगा दी कि ऐसे ऐसे है, मतलब हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कोई हमें स्लिप बना के दे। फाइनली हमने पेशेंट चेक करा लिया था, अब हम जाने लगे हैं कॉलेज वापस और हमने लगाया है एक घंटा हम हॉस्पिटल में रहे हैं। जैसा कि आप लोग रश देख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा रश होता है। तो रश होने की वजह से और बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश था, इसलिए मैं वहाँ पे व्लॉग भी नहीं बना सकी। तो अब मैं जा रही हूँ कॉलेज वापस। जो कहते हैं ना कि निश्तर में स्टाफ को प्रोटोकॉल मिलता है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ का ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा भी है लेकिन बहुत बेचारे गरीब का तो यहाँ पे सत्य नाश होना है। बस अल्लाह पाक हर किसी को शिफा दे और हॉस्पिटल का रुख किसी को ना करना पड़े। बस एनी, तुम अपनी आवाज़ ना सुनाओ एनी, आपके आवाज़ सुन के मेरे सब्सक्राइबर ने भाग जाना यार। हॉस्टल, लेकिन अभी हमारा कॉलेज का टाइम है तो हमने हॉस्टल नहीं जाना, तो इसलिए हम जाएंगे कॉलेज। ये है हमारे कॉलेज का रास्ता। अरे तुम्हारे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है यार। हैं अपने कॉलेज, हम आगे हैं कॉलेज और अब जाएंगे क्लास में। तो इसी के साथ ही हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे क्लास में क्या होता है ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में।